नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं अपने बगीचे में चिखला किया जा रहा है। इधर एक और ट्रैक्टर है, इधर एक अभी इस कोने में ट्रैक्टर फंस गया था जिसे टोचन बांध कर निकाला गया है। देखिए किस तरीके से चिखला किया जा रहा है। बगीचे का आखिरी खेत है ना, 1, 2, 3 छोटे छोटे खेत हैं। ये खेत चिखला हो जाने के बाद अपने बगीचे के अंदर में जितने भी खेत हैं उनमें चिखला कर दिया गया है। सिर्फ धान की बुवाई और धान की रोपाई करनी बाकी रह जाएगी, ठीक है। यहाँ 4 खेत हैं छोटे छोटे, इनमें धान की रोपाई कर देंगे और उधर 5 से 6 और खेत हैं, उधर धान की बुनाई होगी या रोपाई हो जाएगी, है ना। 3 छोटे छोटे खेतों में धान रोपाई करने के लिए धान लगाए हैं, ठीक है, जिसे कि हम लोग गाछी लगाना बोलते हैं। तो वही गाछी लगाया गया है धान के पौधों का और देखते हैं कब तक धान रोपाई कंप्लीट हो पाता है अपने बगीचे में। फिलहाल तो अभी यहाँ चिखला चल रहा है और हम यहाँ कोने में हैं, ये कुसुम पेड़ के नीचे खड़े हैं, कुसुम पाका। ये देखिए कितना गुच्छा गुच्छा कुसुम फल लगा हुआ है, लेकिन ये खट्टा है इसलिए हम इसे तोड़कर खा नहीं रहे हैं। एक कुसुम तोड़कर खाया मैं तो खट्टा लगा, इसलिए इसे नहीं तोड़ रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं कितने घंटे बाद ये कंप्लीट हो पाता है खेतों का चिखला करना। लास्ट का नीचे वाला छोटा सा बचा है, बाकी कंप्लीट हो गया है इधर, मतलब आधा घंटा और लगेगा, 1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। सही है, अपने ब्लॉग में बने रहिए दर्शकों, क्या क्या चीज़ें होंगी पूरा सीन दिखाएंगे आज हम, है ना। आज एक और बगीचा जाना है अपने को बड़े पापा का, वहाँ पे भी अपने को 5 HP का बोर लगाना है। यहाँ से तो आते हैं ट्रैक्टर को, लेकिन चढ़ाते टाइम चढ़ नहीं पाता है तो उधर से एक और रास्ता बनाए हैं। इधर से ऐसे घूमकर ट्रैक्टर आएगा और बाहर निकलेगा, है ना। इधर एक है और इधर दूसरा ट्रैक्टर। ये वाले ट्रैक्टर में ताकत कम है इसलिए हम नीचे वाले खेतों में ये इस वाले ट्रैक्टर से चिखला करवा रहे हैं, क्योंकि इसका टायर अच्छा है, नया है, इसका टायर पुराना है, घिस गया है लाल वाले ट्रैक्टर का, है ना। तो ये कहीं पे भी धस जाता है, फंस जाता है, इसलिए इसे नीचे लेकर नहीं जा रहे हैं लाल वाले ट्रैक्टर को। और ये देखिए इधर अपन लीची का पौधा लगाए हैं 1-2 हफ्ते पहले। इधर पैरा है दर्शकों, इस पैरे से हम आप लोग को पैरा फोटो दिखाएंगे कुछ ही हफ्ते में, बस आप वेट करिएगा। पिछले साल काफ़ी सारा पैरा फोटो दिखाए थे आप लोग को दर्शकों। अभी 1 बजने वाले हैं और बगीचे के अंदर में चिखला करने वाला काम कंप्लीट हो चुका है। ट्रैक्टर ये देखिए बाहर निकल चुका है और इधर सामने में धान बुआई चल रहा है। सही है, इधर ही चल रहा है धान बुआई। दर्शकों ये देखिए अपने खेतों का मूंगफली किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, है ना। देखिए काफ़ी बड़ा हो चुका है,
यहाँ जब दो पत्तियाँ ही निकाली थी मूँगफली, तब से दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। सही है, दर्शकों अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं कटहल पेड़ के पास। वहाँ पे 2-3 बड़े बड़े साइज़ के कटहल फले हुए हैं, तो उन्हें तोड़ कर लाएंगे। अभी कच्चे हैं कटहल, है ना, पकने के बाद टूट कर गिर जाएंगे, इसीलिए रस्सी वस्सी पकड़ कर हम जा रहे हैं कटहल पेड़ के पास और कटहल तोड़ेंगे, रस्सी से उतारेंगे और वापस अपने बगीचे लेकर आएंगे। ठीक है, दो लोग पहले से चल दिए हैं, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और कटहल पेड़ के पास दिखाते हैं आप लोग को आगे का सीन। चलो, रस्सी में बांध दे कार्ड, तो डोर लखूं दे के वो छोड़ देगा, नहीं तो किसे छोड़ दे। हाँ वही कर खेल ले, 5-6 डिफायर रीस ने पेड़ है जब उसके रहे नहीं, मतलब अच्छी चीज का वही 7-8 थी बन जाएगा। ऊपर अंग्रेज तेज टूट गई जी, धीरे से ही धीरे से ही इधर एकदम हल्ला हबर में दे कल झोंके सकबे कल धीरे से खबर उठा लकी खबर भी खबर झिन झुलन देबे ना उमर अमर के खा जे रही वर्षा में रही ना तो सांस नीचे को दिन ले आवत ह छे सकत हम बिहान जाए खई ढेर ले जे सकत हम ना यहां ले ऊपर अच्छे लगे प्लस छोड़ दे छोड़ बस या सोते ही देखा था गिर रहे बड़े बड़े साइज। एक हफ्ता खाया हुआ नहीं लागे किसे नहीं खाना के जगह में खावे देना अकेला आदमी ला कम से कम। काम करत हस तो एक घर खाए दहन तो फिर कहाँ भूख लागी। दर्शकों अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और यहाँ अपने बगीचे में अभी धान बुनाई का काम होगा, तो मिट्टियों को समतलीकरण कर रहे हैं मेड़ों में, इस तरीके से मिट्टी को फेंक फेंक कर अच्छे से मेड़ को रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और कटहल तोड़कर बबगीचे के अंदर मिले आए हैं, 3 कटहल हैं, है ना। पानी इधर धान के खेतों में भेजा जा रहा है घर से ऐसे ऊपर से इसमें, इधर 2-3 खेत बचे हुए हैं, ऊपर एक और है, 3 खेत और उस साइड 3 है, 6 टोटल, जिनमें की धान बुनाई अभी भी बाकी है। दर्शकों यहाँ पे 3 खेत रेडी हो चुके हैं, ये और ऊपर वाला, अब इनमें कभी भी धान की रोपाई कर दी जाएगी। अब अभी वहाँ चलते हैं, सुबह जहाँ चिखला कर रहे थे उधर एक बार तो सिलाई कर दी हैं, अब चिखला करने के बाद एक बार और किनारे किनारे को साफ करना पड़ता है ना, घास वगैरह को बीच में फेंक कर उन्हें नीचे गाड़ना पड़ता है मिट्टी के बीच में, वही सब काम करेंगे और किनारे किनारे की मिट्टी बीच में फेंकने की कोशिश करेंगे जो ऊपर ऊपर उड़ गया है उसे। चलिए, इधर 3 खेत बच गए हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा सारा खेत, जो धान लगाए हैं इनमें भी रोपाई हो जाएगा। इधर तीन 6, इसके साथ 6 है ना, इसके साथ 6 और इधर 3 9, टोटल 9 बच जाएंगे अपने बगीचे में। फिर बांध के साइड चलना है अपने को उधर धान की
बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे, है ना। दर्शकों, इन खेतों में धान बुआई हो गई है। अब इन्हें कोपर की मदद से मिट्टी को ढकते जा रहे हैं, है ना। इस साइड ये काम कर रहे हैं, ये देखिए भैंसों की मदद से। तो यही सब सीन चल रहा है और मैं जा रहा हूँ आगे बगीचे में, है ना, नया वाला बगीचा जिसे कि बड़े पापा बना रहे हैं। तो वहाँ पे 5 HP का अपने को बोर लगाना है, तो अभी वहाँ पहुँचते हैं और दिखाते हैं आगे का सीन, है ना, और कितना पानी निकलेगा उसे भी दिखाएंगे। कल ही लेकर आए थे लेकिन कल मोटर सही न चलने की वजह से हम उसे फिट नहीं किए, है ना, और वापस ले गए बनवाने के लिए। फिर आज फिर से बनवा के लाए हैं और अभी वहाँ जाते हैं, लगाते हैं, आधा एक घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं कैसे पानी आता है, क्या कुछ होता है। और अभी वहाँ पे 3-4 आदमी और चाहिए, है ना, लेबर, तो 2-3 लोग तो होंगे, मैं 4 हो जाऊँगा, है ना। और फिर वहाँ से काम करके वापस बगीचे आएंगे, बगीचे में अपना सामान वगैरह लेंगे और घर निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके का काम है अपना। तो चलिए अभी बगीचे पहुँचते हैं और दिखाते हैं आगे का सीन, ठीक है। चलो, हम बगीचे के पास पहुँच चुके हैं। इधर कल तार खींचे थे, है ना, खंभा गाड़ के, लकड़ी का खंभा है अपना। तो यहाँ से ऐसे तार खींचे हैं, उधर बुलेरो खड़ा है, उसमें आया है सामान। बोलेरो में सामान आया है, पंप पाइप सब। यहाँ लगाएंगे बोर, क्या बात है। 6:40 6:40 कम नहीं है अभी, रहा देख ले रहा। आए, पानी के कलर लो देख ले, मलवा आही कि किसी आही चलो देख ले। दर्शकों, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और कल रात को हम 8 बजे के आसपास अपने घर आए, है ना। आते तक काफ़ी थक चुके थे हम, इसलिए कल रात को वीडियो शूट नहीं कर पाया। और बगीचे की बात करें ना दर्शकों, तो वहाँ पे बोर काफ़ी अच्छे से चल रहा है। लगभग आधे एक घंटे तक हम वहाँ रुके थे, है ना, पानी कम ही नहीं पड़ रहा था, अच्छे से निकल रहा था। 5 HP का बोर है तो काफ़ी प्रेशर के साथ पानी फेंक रहा था, तो सही है। अब उस बगीचे में भी अच्छे से खेती होगी, है ना, बड़े पापा का बगीचा है। तो देखते हैं अब आने वाले टाइम में क्या क्या होता है उस बगीचे में, तो उधर का भी सीन दिखाएंगे आप लोग को, है ना। फिलहाल कल के वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, है ना, और आज एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दर्शकों, कल के वीडियो में बस इतना ही रहा हमारा, है ना।